सो हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू रेसलिंग फिनोमेना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से इंडस शेयर लक्ष्मीकांत राजपूत, सुखविंदर ग्रेवाल और शेंकी सिंह समेत परफॉर्मेंस सेंटर के सभी रेसलर्स हो सकते हैं खतरे में। महाबली शिरा क्या करेंगे इंपैक्ट रेसलिंग के स्लैमिवर्सरी पेपर व्यू में खतरनाक वापसी, साथ ही साथ कविता देवी एंड जीत रामा कहाँ हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शायद ये खबर आप लोगों को शॉक कर दे, लेकिन कल शाम को यानी कि 16 जून 2020 को ये खबर आई कि WWE के परफॉर्मेंस सेंटर का एक रेसलर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और ये खबर इसलिए बुरी है क्योंकि वो 9 जून 2020 को आखिरी वक्त जो है परफॉर्मेंस सेंटर में मौजूद था। अब यहाँ उस रेसलर का नाम तो सामने नहीं आया है, लेकिन ये खबर इसलिए बहुत बुरी है क्योंकि यहाँ हमारे भारतीय रेसलर्स लक्ष्मीकांत राजपूत, शेंकी सिंह एंड सुखविंदर ग्रेवाल भी मौजूद थे। जैसा कि चाहे रॉ का एपिसोड हो, स्मैकडाउन हो, NXT हो या फिर NXT UK हो, सारे शोज में WWE वाले परफॉर्मेंस सेंटर के रेसलर्स को ऑडियंस के रूप में यूज़ कर रहे हैं। और अब जो ये न्यूज़ है बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है क्योंकि NXT इन योर हाउस के शो में सौरभ गुज्जर भी परफॉर्मेंस सेंटर में थे ऑडियंस के रूप में। अब मेरे पास इसका सबूत तो नहीं है, पर जो लोग सौरव भैया को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उन्हें ये बात पता है कि जब NXT का इन योर हाउस शो हुआ था तो इयो शिराई ने NXT वुमेन्स चैंपियनशिप जीती थी और उसी का वीडियो जो है सौरभ गुज्जर ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में डाला था, जो कि क्राउड की तरफ से ही रिकॉर्ड किया गया था। और वहीं ऑडियंस के रूप में मौजूद एक रेसलर कोरोना पॉजिटिव निकला है। अब अगर सौरभ गुज्जर और रिंकू सिंह वहां क्राउड में नहीं भी थे, लेकिन फिर भी उनके जो मैनेजर मालकम बेवन से दोस्तों वो क्राउड में थे। दोस्तों जब ये न्यूज़ सामने निकल कर आई तो अब WWE की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि परफॉर्मेंस सेंटर के सभी रेसलर्स का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। यानी कि दोस्तों सिर्फ हमारे भारतीय रेसलर ही नहीं, परफॉर्मेंस सेंटर में मौजूद सभी रेसलर जो है, जो भी ऑडियंस के रूप में वहाँ मौजूद थे, सब खतरे में हैं। तो हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि सब के सब जो है वो सुरक्षित रहें और किसी को भी ये कोरोना वायरस की प्रॉब्लम ना हो। चलिए बात करते हैं महाबली शिरा के रिटर्न के बारे में। तो दोस्तों महाबली शिरा अभी भी इंडिया में ही हैं और 18 जुलाई 2020 को इंपैक्ट रेसलिंग का स्लैमिवर्सरी पेपर व्यू होना है, जो कि हमारे भारत में 19 जुलाई को टेलीकास्ट होगा, जहां इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फेटल 5 पे मैच तय किया गया है, जिसमें टेसा ब्लैंचर्ड अपना टाइटल डिफेंड करेंगी इंपैक्ट रेसलिंग के 4 बेहतरीन मेंस रेसलर्स के खिलाफ। अब महाबली शिरा का जो रिटर्न है दोस्तों वो यहाँ होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अमेरिका में कोरोना वायरस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ऐसे में कोई भी हो वो अपनी सुरक्षा पहले देखेगा, चाहे वो महाबली शिरा ही क्यों ना हो। तो दोस्तों यहाँ से मुझे लगता है कि महाबली शिरा के स्लैमिवर्सरी पेपर व्यू में आने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। चलिए बात करते हैं जीत रामा के बारे में। तो दोस्तों फिलहाल तो जीत रामा अभी प्रेजेंट टाइम में कनाडा में हैं, अपने परिवार के साथ में समय बिता रहे हैं। करीब 2 महीनों से वो कनाडा में ही हैं और कुछ दिनों बाद जो है दोस्तों कनाडा से फ्लाइट शुरू होने वाली है। लेकिन अगर जीत रामा के लिए कंपनी के पास में कोई प्लान्स नहीं होते हैं और अभी भी परफॉर्मेंस सेंटर में जो ट्रेनिंग वगैरह है वो शुरू नहीं होती है, तो शायद जीत रामा कुछ और महीनों तक कनाडा में ही रहें। वहीं दोस्तों कविता देवी भी करीब 3 महीनों से इंडिया में हैं, वो भी अपनी फैमिली के साथ में समय बिता रही हैं और अगर उनके लिए भी कोई प्लान्स नहीं होते हैं तो शायद वो भी कुछ और महीनों तक इंडिया में रहें। यानी कि जब तक ये जो कोरोना वायरस की प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो जाती है, तब तक शायद ही आपको जीत रामा और कविता देवी NXT में दिखाई दें। और दोस्तों अभी लाइव इवेंट्स भी बंद हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई प्लान्स होंगे अभी कंपनी के पास में। तो दोस्तों ये थी हमारे भारतीय रेसलरों से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स। आज के वीडियो में था इतना ही। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।